बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। वेव तो आपने पढ़ा हुआ है कि इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होती हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी एक एक्सेलरेटरी फील्ड होती है, यानी अगर कोई चार्ज उसके अंदर चला जाता है तो उसको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ जो है एक्सेलरेटिंग नहीं होती, वो जस्ट उसके पाथ को चेंज करती है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाए तो फिर EMF इंड्यूस हो जाती है, और EMF का काम तो चार्जेस को एनर्जी देना ही है, ठीक है। तो स्टैटिक चार्जेस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टैटिक चार्जेस यानी जो एट रेस्ट होते हैं उनको एक्सेलरेट करती है, ठीक है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी प्रोड्यूस होती है उनके अंदर। इसी तरह अगर कांस्टेंट स्पीड से चार्जेस मूव कर रहे हैं, करंट फॉर्म करते हैं मूविंग चार्जेस जो उनसे हैं, और उनसे जब मूविंग चार्ज होगा किसी कंडक्टर में से पास कर रहा हो तो हमने कहा था कि वो मैग्नेट बन जाता है। जब मैग्नेट बन जाएगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, लिहाजा दे गिव राइज टू द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन स्पेस। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टैटिक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सोर्स ऑफ EMF होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ EMF से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हो रही है लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है वो चार्जेस को मिल रही है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो मिल रही है। इसका मतलब ये है कि कोई चेंज नहीं आ रहा उसमें, ठीक है। जबकि हमने कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन होती है। इसका मतलब है कि बाय फार अभी जितना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा है और मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा है उसमें कोई भी सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होगा, ना एनर्जी डिसिपेट होगी या ट्रांसफ़र होगी या ट्रांसपोर्ट होगी, और ना ही मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होगा। अगर ये सब नहीं होगा इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। इसका मतलब है हम नतीजा निकाल सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड है वो अगर कांस्टेंट रहती है देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोडक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्टैटिक चार्जेस और वो चार्जेस जिनकी यूनिफॉर्म मोशन होती है, जो अब करंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास आ रही है, इट मीन्स के चार्जेस आर मूविंग एट they have uniform motion, so they do not transport energy, or in other words they do not radiate, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है, हमने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोडक्शन पढ़नी है, कब होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोडक्शन, सिग्नल, एनर्जी, मोमेंटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सब के सब प्रोड्यूस होंगे उस सूरत में अगर हमारे पास चार्जेस जो हैं ऑसिलेट कर रहे हों, बैक एंड फोर्थ मोशन हो, बैक एंड फोर्थ मोशन होने के दौरान वो एक्सेलरेट हों, डेसेलरेट हों, यानी टाइम वेरिंग एक हमारे पास करंट हो, जिस तरह का AC करंट होता है हमारे पास चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस सूरत में फिर वो जो एनर्जी उनकी अगर डिसिपेट होगी, डिसिपेट करेंगे या फिर गेन करेंगे, जो डिसिपेट करेंगे या गेन करेंगे वो एनर्जी जो है वो स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगी विद और विदाउट मीडियम। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जनरेशन हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जनरेशन के लिए, लेकिन ये सब जो एनर्जी डेंसिटी है ये सब इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने इसको पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को। तो ऐसा कौन सा सर्किट होगा जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन होगी, उसके लिए इसको कंसिडर करते हैं। ये सिंपल हमारे पास RLC ऑसिलेटर सर्किट है, ठीक है। इसमें ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं बेसिकली L और C के दरमियान, ठीक है। हम इसको LC ऑसिलेटर सर्किट कहेंगे अगरचे RLC सर्किट है। रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर फेज कांस्टेंट रहता है करंट और वोल्टेज का, लिहाजा इसमें कोई ऑसिलेशंस नहीं होती हैं, ठीक है। हमने कोई एनर्जी सोर्स लिखा दिया है इसलिए कि जब चार्जेस बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे तो वो एनर्जी डिसिपेट भी करेंगे। एनर्जी डिसिपेट करने की वजह से सर्किट के अंदर जो चार्जेस हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। वो एनर्जी हमने
दोबारा उनको सप्लाई करने के लिए एक एनर्जी सोर्स लगाया। भाई इसके अलावा इसका कोई जो है रोल नहीं है इस सर्किट में। बेसिकली आपने पीछे पढ़ा भी है कि RLC ऑसिलेटर सर्किट जौन सा है, उसमें जब हम एनर्जी सोर्स देते हैं करंट इसमें फ्लो करता है। इनिशियली जो कैपेसिटर है वो हमारा टोटली चार्ज हो जाता है, ठीक है, टोटली चार्ज हो जाता है। और जो इंडक्टर है उसके अंदर इससे जब करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर सोर्स ऑफ एनर्जी हम यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर पहले जो कि टोटली चार्ज हुआ हुआ है एज अ सोर्स ऑफ EMF काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा इंडक्टर है उसके अंदर एनर्जी या करंट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड में सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब टोटली इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है इसमें EMF इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारा कैपेसिटर होता है वो टोटली डिस्चार्ज हो चुका होता है, लिहाजा फिर इंडक्टर एज अ सोर्स ऑफ EMF के तौर पे काम करता है और यहाँ पे जस्ट एज अ लोड कर रहा है काम। ये जस्ट एनर्जी डिसिपेट करेगा, ठीक है। अब इंडक्टर को हमने कपल कर दिया है एक ट्रांसफार्मर के साथ। आपने पढ़ा हुआ है अगर ये वाला जो इंडक्टर जो हमारे पास सर्किट में है ये एज अ प्राइमरी सर्किट एक्ट करे, प्राइमरी कॉइल के तौर पे एक्ट करे और ये सेकेंडरी कॉइल के तौर पे एक्ट करे, तो इसके अंदर जब हमारे पास करंट का की वैल्यू चेंज हो रही है, एनर्जी सोर्स ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ है AC एनर्जी सोर्स होगा, तो जब उसमें टाइम वेरिंग करंट प्रोड्यूस होगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी। लाइकवाइज इस जो सेकेंडरी हमारा सर्किट है उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगी तो इसके अंदर भी करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब करंट इज़ अ मोशन ऑफ चार्जेस, इसके अंदर भी नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं, इसके अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से यहाँ पे भी एनर्जी जो है वो करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वो जब मूव करेंगे साथ में हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया ट्रांसमिशन लाइन, जब चार्जेस बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, एनर्जी रेडिएट जो होगी वो फर्दर जो है वो इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू मूव करेगी। फर्दर इसको हमने एक एंटीना के साथ मूव कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब ये चार्जेस ऑसिलेट करते हुए इस एंटीना के पास आएंगे, इसके चार्जेस मूव होने की वजह से क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है स्पेस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो जो चार्जेस हैं बैक एंड फोर्थ मूव करने की वजह से उन स्पेस या एयर के चार्जेस के साथ टकराएंगे। जब टकराएंगे तो उनको कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेंगे, इस तरह से हमारा जो है वेव रेडिएट हो जाएगी। रेडिएट होने के साथ साथ वो स्पेस में मूव करना शुरू हो जाएगी। फिलहाल तो यहाँ पे एज अ एयर जो है वो हमारे पास मीडियम में मौजूद है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट मीडियम भी ये जो है वो मूव कर सकते हैं। लिहाजा ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटीना है बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। एक में जो है वो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, एक में जो है वो नेगेटिव चार्जेस होंगे, मतलब नेगेटिव चार्जेस एज इलेक्ट्रॉन होंगे और पॉजिटिव चार्जेस जो उनसे हैं वो हमारे पास पॉजिटिव आइंस होंगे, ठीक है। ये दोनों कैरियर ब्रांचेस कहलाएंगी हमारे पास, ठीक है। अब चूंकि हमारा सोर्स AC सोर्स है लिहाजा साइनोसॉइडल है, लिहाजा यहाँ पे जो सिग्नल है हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा वो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों के रेडिएट करने की वजह से हो रहा है, तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पीक दोनों वाला होगा। लिहाजा एज अ रिजल्ट जो हमारे पास वेव प्रोड्यूस होगी वो साइनोसॉइडल होगी, चार्जेस एक्सेलरेट होंगे, मूव बैक एंड फोर्थ करेंगे विद इन द एंटीना, और एंटीना जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर एक्ट करेगा, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव के सिग्नल को विद इन द स्पेस रेडिएट करेगा।